एमएम में, इट इज़ द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ऑनरेबल कोर्ट अलाउज मी आई वुड लाइक टू रीड द ऑर्डर 12 रूल 6। जजमेंट ऑन एडमिशंस एनी पार्टी मे एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट वेयर एडमिशंस ऑफ फैक्ट हैव बीन मेड ईदर ऑन द प्लीडिंग्स और अदरवाइज अप्लाई टू द कोर्ट और सच जजमेंट और ऑर्डर एज अपॉन सच एडमिशन ही मे बी इंटाइटल्ड टू विदाउट वेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन बिटवीन द पार्टीज एंड द कोर्ट मे अपॉन सच एप्लीकेशन मेक सच ऑर्डर और गिव सच जजमेंट एज द कोर्ट मे थिंग्स फिट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, एज पर ऑर्डर 12 रूल 6, एट एनी स्टेज ऑफ सूट जहाँ पे भी ऑनरेबल कोर्ट इस नतीजे पे पहुँचेगी, वो चाहे इट्सेल्फ वो सुओ मोटो उस पहुँचें या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे पहुँचें, उसमें एडमिशन आ जाए किसी पार्टी का प्लीडिंग में या अदरवाइज, अदरवाइज मीन के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अगर वो उसको एडमिट कर लेते हैं उस इशू को, जो भी उसमें एडमिशन होगा तो वो उसमें डिग्री पास फरमा देंगी या जो भी ऑर्डर होगा मुनासिब वो कर देंगी। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को इस स्टेज पे असिस्ट करना है कि जो सूट था बेसिकली वो सूट फाइल किया गया था, जो ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिजा फरमाएंगी सिर्फ टाइटल ऑफ सूट, वो टाइटल ऑफ सूट ये है कि वो कहते हैं कि मैं मालिक और काबिज़ हूँ, मालिक और काबिज़ ज़ेर तामीरी तादाद 5 मरले की। अब मैंने सबसे पहले मैंने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना है लोकस टेंडाई और कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से, क्या इनके पास लोकस टेंडाई मौजूद है। लोकस टेंडाई के मुतालिक जब सबसे पहले कोई भी शख्स अपने आप को मालिक साबित करेगा, वो शो करता है, वो किसी राइट के लिए आता है, वो अपने आप को मालिक साबित करेगा, सबसे पहला ऑनस उस पर होगा। अगर वो अपने आप को प्लेंटिफ मालिक साबित करता है तो फिर ये अदरवाइज चलेगा। मेरी एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट अगर मुलाहिजा फरमा लें तो पैरा नंबर 1 में, मैंने एप्लीकेशन की पैरा नंबर 1 में PW1 की का बयान, जिसमें बयान में उसने कहा मैं मुद्दई मुकदमा हूँ और मालिक व काबिज 5 मरले हूँ। PW1 जरा आबादी देह में कब्जा होता है इसलिए मलकियत का सबूत ना लगाया है, यह दुरुस्त है कि मैंने मलकियत की रजिस्ट्री या इंतकाल ना लगाया है, यह दुरुस्त है कि मैंने अपने बयान और शहादत के साथ भी कोई सबूत मलकियत लफ ना किया है, चूँकि मेरे पास कोई रजिस्ट्री लफ ना है, रजिस्ट्री ना है, सिर्फ कब्ज़ा है इसलिए सबूत ना लगाया। एडमिशन आ गया कि जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें उसके पास कोई टाइटल मौजूद नहीं है। अब इसमें प्रामा फिशाई केस साबित करने के लिए 2014 MLD 1016 और 1993 CLC 1263 है। ये दोनों जजमेंट्स, इन दोनों जजमेंट्स में जो मेरा केस है वो प्रूव हो जाता है। 2014 MLD 1016 सिंध है, इसमें कहा कि मेयर पोजेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल राइट टू रिटेन द सेम फॉर इनडेफिनेट पीरियड, पोजेशन और ऑक्यूपेशन कुड नॉट सस्टेन द क्लेम टू टाइटल द प्रॉपर्टी इन पोजेशन और ऑक्यूपेशन, पोजेशन इटसेल्फ कुड नॉट बी इक्वेटेड टू दैट ऑफ लीगल राइट, डिफेंडेंट्स हैड नो लोकस टेंडाई विद रिगार्ड टू देयर क्लेम्स एंड देयर पोजेशन ऑन द सूट प्रॉपर्टी एज वॉज इलीगल। इसी को 1993 CLC 1263 कराची में भी सेम कहा गया कि मेयर फैक्ट दैट एपिलेंट वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी विदाउट प्रूफ ऑफ एनी लीगल टाइटल टू सच पोजेशन वॉज नॉट सफिशेंट टू गिव हिम लोकस टेंडाई टू फाइल अपील, पोजेशन ऑफ एपिलेंट अवर पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी एट बेस्ट वॉज दैट ऑफ अ ट्रेसपासर। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को हम्बल सबमिशन, इसमें इनका दूसरा मौकफ जो था वो ये, इनका ये मौकफ था कि ये मैं मालिक नहीं हूँ, बल्कि पहले तो उसने कहा जी कि मैं शुरू से मालिक हूँ, उसके बाद दूसरा उसका जो मौकफ था उसने कहा कि मैंने अपने जो दूसरा ग्राउंड है रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम अंडर रूल 1 और 2 ऑर्डर 2 CPC में, जरा जो PW1 पे मैंने की उस जरा में ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट
डी टू पी डब्ल्यू वन वही दावा है जो मेरे वालिद ने वालदा मुदले के खिलाफ दायर किया था। यह दुरुस्त है कि हदूद अरबा बाबत जयदाद मुतदाविया वालिद ने अपने दावा बनवान मोहम्मद शरीफ बनाम सफूरा बीबी में तहरीर किया था। यह गलत है कि इस दावे में मेरे वालिद ने लग से 5 मरले का जिक्र ना किया। इस मरले पर एग्जिबिट डी टू दिखाई गई और कहा गया कि 5 मरले का जिक्र कहाँ है। जवाब आया कि मियाँ अब्दुल्ला का मकान जानिब मशर की तहरीर है 5 मरले अलहदा से ना लिखा हुआ है। गवाह को एग्जिबिट डी टू अबर पी डब्ल्यू वन दिखाया गया, इसमें 5 मरले का तहरीर ना है। दावा और शहादत में मैंने अब्दुल्ला के लवल, अब ये इसका मौक़िफ़ आया कि बेसिकली ये वो पहले इन्होंने कहा कि ये गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, जो मेरी मदर को गिफ्ट हुआ था वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ये साथ वाला एडजस्टेंट मकान जो अब्दुल्ला का है वो है। अब अब्दुल्ला के मतलब जब मैंने इससे सवाल किया तो उसने कहा कि दावा और शहादत में मैंने अब्दुल्ला के लवल मरने का कोई सबूत ना लगाया। ये दुरुस्त है कि मैंने ऐसा कोई सबूत लफ ना किया जिसमें अब्दुल्ला मरहूम की विरासत मेरे वालिद मरहूम को मुंतकिल हो रही हो। यह दुरुस्त है कि सबका तमाम दावाजात में हमने ना तहरीर किया कि मियाँ अब्दुल्ला का कोई हिस्सा विरासत हमें मुंतकिल हुआ या गलत। यह गलत है कि इसलिए ना लिखा क्योंकि ऐसी कोई विरासत या हिस्सा मौजूद ही नहीं। मेरी हम्बल सबमिशन है ऑनरेबल कोर्ट से, ऑर्डर 12 रूल 6 बेसिकली एडमिशन्स के मुतलिक है। जब प्लेंटिफ ने बतौर PW1 वो अपीयर हुआ और उसने अपनी एविडेंस में खुद ये एडमिट कर लिया इस फैक्ट को कि वो मालिक नहीं है, वो सिर्फ काबिज़ हैं। आगे उसने अपनी एविडेंस में ये एडमिट कर लिया कि ये कब्ज़ा 2021 से उन्होंने किया हुआ है। अब अपने मलकियत के लिए सबसे पहले उसने लोकस नंडाए कॉज ऑफ एक्शन अपने के लिए लोकस नंडाए यानी टाइटल डॉक्यूमेंट देना था। जब तक कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होगा ये दावा मेंटेनेबल ही नहीं है। बेसिकली वो आए हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए। सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए लॉ बड़ा क्लियर है कि डिग्री फॉर डिक्लेरेशन इज़ ओनली फॉर प्री एग्जिस्टिंग राइट, जो सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 कहता है। मेरा जो पैरा नंबर 4 है उसमें मैंने ये बता दिया है कि 2020 SCMR 480 है, 483 है, 2019 YLR 41, मैंने 500 जजमेंट्स रिप्रोड्यूस कर दी हुई हैं। अब इसमें सिर्फ मैं ऑनरेबल कोर्ट को 2020 SCMR 483 से असिस्ट करना चाहूँगा कि अ पार्टी कैन गेट हिज प्री एग्जिस्टिंग राइट्स डिक्लेयर्ड फ्रॉम द कोर्ट एंड नो फ्रेश राइट्स कैन बी क्रिएटेड बाय ग्रांट ऑफ डिग्री इन अ सूट फाइल्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1877। इसमें वो तमाम जजमेंट्स मैंने रिप्रोड्यूस में लिख दी हुई हैं, उनकी साइटेशंस को कोट कर दिया हुआ है कि जिनके मुताबिक अगर कोई राइट पहले एग्जिस्ट करता है तो उसके मुतलिक वो करेंगी, इसके अलावा नहीं करेंगी। मैंने इसके बाद पांचवा जो वो बड़ा लेंथी बन जाता है मैं उसे कट शॉर्ट करता हूँ, रेस जुडिकेटा काटा के हवाले से, ये एडमिशन है। मैंने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में, अगर ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन में, सिर्फ मैं क्रॉस एग्जामिनेशन का वो जो रेलिवेंट पोर्शन है वही ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करूँगा, जिसमें उसने ये कहा पेज नंबर 3 है क्रॉस एग्जामिनेशन का। PW1 page 3 है इसका, ये कमीशन की रिपोर्ट है, क्रॉस एग्जामिनेशन शायद उससे उसका चट्ठा अलग से बना होगा। मैंने PW1 का वो फ्लैग भी लगाया था उस पर लास्ट टाइम फाइल पर। PW1 में अगर सिर्फ इसका लाइन नंबर 7 मुलाहिजा कर लें, इसी की इन चीफ की लाइन नंबर 7 में मैंने अभी जो पढ़ा वो उससे पहले पढ़ा सारा कि जिसमें उसने कहा कि इस जबकि इस रकबा पर 13 मरले की जानब मशरक राजी सफेदा 5 मरले जो अबलन अब्दुल्ला जो मेरे दादा के मामू थे लावल फोत हुए उनकी जो राजी जायज़ फैदा तदादी 5 मरले वालदा मोहम्मद शरीफ के हिस्सा में आई और वो राजी
मुतदाविया पर काबिज़ हो गए। इस वक्त से आज तक कब्ज़ा वालदम और अब मेरा है। मुतालम का कोई तलक वास्ता राजी मुतदाविया से ना है। राजी पर मैंने साल 2020-21 में नया मकान तामीर किया। ये एडमिटेड फैक्ट है। इनका अपना इन चीफ है कि इनकी पोजेशन 2020-21 है। आगे ये भी इन चीफ में एडमिट किया कि उसके मुतलिक इसने किया। इनका मौक़िफ मैं ऑनरेबल कोर्ट को एक असिस्ट करूँ। ये कह रहे हैं कि ये अलग से मकान है। बेसिकली ये जो 13 मरले की प्रॉपर्टी थी, इसमें मकान नंबर 2 जो था 4 मरले, उसी मकान पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। ये ओवरऑल पूरी इस एडमिटेड फैक्ट है कि ये ओवरऑल पूरे इस पे काबिज़ हैं। 2021 में इन्होंने कब्ज़ा किया। इन पे 2 FIR हैं, उनमें चलान पेश हो गया और वो चल रही हैं। उसी को जो मेरी 4 मरले की है, उसी को इसने, वो पुराना सा मकान था उसी को डिमालिश करके ना उस पर ये कब्ज़ा करके ये वहाँ पे मकान बना रहा है। ये अलग से कोई मकान नहीं। अब अलग से कोई मकान होता तो ये तहसीलदार के पास गया होता, इसने वहाँ से अपनी निशानदेही ली होती कि ये मेरी है। अब उसी मकान को ये शो कर रहे हैं कि ये अलग से मकान है। मेरी अब हमल सबमिशन ये है कि इसमें पेज नंबर 1 है क्रॉस एग्जामिनेशन का, इसमें लास्ट 5th लाइन है जिसमें मैंने वो पढ़ा है, पहले आबादी देह में कब्ज़ा होता है इसलिए मलकियत का सबूत ना लगाया। ये दुरुस्त है कि मैंने मलकियत की रजिस्ट्री या इंतकाल ना लगाया। ये दुरुस्त है कि मैं अपने बयान और शहादत के साथ भी कोई सबूत मलकियत लफ ना किया है, चूँकि मेरे पास कोई रजिस्ट्री ना है, सिर्फ कब्ज़ा है इसलिए साथ ना लगाया। अब ये एडमिशन इसका मौजूद है कि सिर्फ कब्ज़ा है, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट उसके एडमिशन से आगे ही ऑर्डर 12 Rule 6 ये कहता है कि इससे आगे केस प्रोसीड ही नहीं हो सकता जब वो एडमिट कर लेता है। अब इसके बाद अगर पेज नंबर 3 मुलाहिज़ा फरमा लें, जेरा का क्रॉस एग्जामिनेशन का पेज नंबर 3 लाइन नंबर 4 है। यह दुरुस्त है कि मेरे वालिद ने 2007 में सफूरा के खिलाफ पहला केस दायर किया था। असूद कहा कि सिर्फ 13 मरले की हद तक दायर किया था। यह दुरुस्त है कि मैंने अपने दावा में तस्लीम किया कि साल 2007 में वालदम ने जो हिब्बा नंबर 170 को चैलेंज किया था बरखिलाफ मुदालह वो अदालत ने खारिज कर दिया। यह दुरुस्त है कि एग्जिबिट D2 PW1 दायर किया था। ये वही दावा है जो मेरे वालिद ने वालदा मुदालह के खिलाफ किया था। यह दुरुस्त है कि दूदरबा बाबत जयदाद मुतदाविया वालिद ने अपने दावा बनवान मोहम्मद शरीफ बनाम सफूरा बीवी में तहरीर किया था। ये गलत है कि इस दावा में मेरे वालिद ने अलग से 5 मरले का जिक्र ना किया। इस मरले पर एग्जिबिट D2 दिखाई गई और कहा गया कि 5 मरले जिक्र कहाँ है। जवाब आया कि मियाँ अब्दुल्ला का मकान जारिम मशर के तहरीक है, 5 मरले लहदा से ना लिखा हुआ है। गवाह को एग्जिबिट D2 PW1 दिखाया गया, इसमें 5 मरले का तहरीर में है। यानी कि यहाँ एडमिशन आ गया कि वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी 5 मरले की अलग से एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज अगर वो दूसरा तीसरा चौथा किसी का भी मकान करता है, अगर वो मियाँ अब्दुल्ला का भी कहता है, इसका क्या टाइटल बनता है कि ये किस बेस पे करते हैं। इससे आगे मेरी तमाम जरा जो अरेस्ट जुडिकाटा पे है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये डिसाइड हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड होने के बाद अब इसमें आगे पेज नंबर 5 पे इसने फिर एडमिशन किया हुआ है। पेज नंबर 5 में लाइन नंबर 6 है, यह दुरुस्त है कि हम 5 भाई और 3 बहनें मोहम्मद शरीफ के वारसान हैं। यह दुरुस्त है कि इस वक्त मेरे अलावा मेरे किसी भाई ने कोई दावा बाबत जगह मुतदाविया ना किया। यह दुरुस्त है कि मेरे अलावा दीगर कोई बहन भाई दावेदार ना है। 3 लाइनें छोड़ के ये दुरुस्त है। अब इसमें भी एडमिशन आ गया कि कोई और दावेदार नहीं है, क्या इसका बाप सारी प्रॉपर्टी इसी को दे गया। 3 लाइनें छोड़ के ये दुरुस्त है कि सिफुरन 2013 में फोत हो गई। ये दुरुस्त है कि माँ बहन फ्रीकैन मुकदमा बाजी का तीसरा दौर 2021 में मेरे खिलाफ कब्जा की FIR के बाद शुरू हुआ। ये दुरुस्त है कि FIR एग्जिबिट D10 PW1 मेरे खिलाफ मुदालम ने मोरखा 28/5/2021 को बजुर्म सोएंड सोबो कब्जे का जो भी है वो कराई थी। अब इसमें भी एडमिशन आ गया कि इसने, ये तो उसने खुद भी माना हुआ है कि वो 2021 में इस प्रॉपर्टी पे काबिज़ हुआ है। अब इसमें तीसरे दौर को एडमिट कर रहे हैं कि तीसरा दौर है। अब तीसरे दौर में से इस दावे से पहले किसी दावे में इस 5 मरले का जिक्र नहीं है। ऑर्डर 2 Rule 1 और 2 CPC वो ये कहता है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट के मैटर, सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर के मुतलिक जब दावा दायर किया तो उसमें जितने क्लेम आपको अवेलेबल होंगे वो आप तमाम लेंगे। अगर आपने कोई क्लेम रिलिंक्विश कर दिया तो दोबारा आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। इस पर लेटेस्ट जजमेंट 2023 SCMR क्या साइटेशन उसकी, जी 2023 SCMR 992 है और 2023 भी है ना उसमें, जी PLD 2023 लाहौर 601 है और 2023 SCMR 1038 है जिसमें फरमाया कि दैट मैं भी कॉपीज प्रोवाइड कर देता हूँ। द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज बार्ड बाय लॉ एज इट इज़ द 3rd राउंड ऑफ लिटिगेशन। मेरा सिमिलर केस, बिल्कुल ऐसे ही केस था।
द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड बिटवीन सेम पार्टीज द लेट फादर ऑफ द प्लेंटिफ एंड द प्लेंटिफ हिमसेल्फ रिलिंक्विश्ड और मिटेड द क्लेम एंड नेवर मेंशनड सच क्लेम इन देयर प्रीवियस सूट्स अकॉर्डिंग टू रूल वन एंड टू ऑफ ऑर्डर टू सीपीसी वेर इन इट इज स्पेसिफिकली मैंशनड दैट एवरी सूट शेल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम which the plaintiff was entitled to make in respect of the cause of action. It is further provided that where the plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. 2023 SCMR 1038. अब इसमें मेरी जो एप्लीकेशन के मुताबिक मेरा इसी में मैं वो रेस जुडिकाटा पे मेरा सारा फोकस इससे पहले की जो एप्लीकेशन थी वो रेस जुडिकाटा पे थी. अब ऑनरेबल कोर्ट उसमें कन्फ्यूजन शायद उन्होंने ये आके मिसगाइड करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टीज़ अलग हैं. मेरी हम्बल सबमिशन मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के तौर पर हम्बल सबमिशन ये है अगर कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसके सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पे ऑनरेबल कोर्ट ये देखेंगे कि क्या ये मालिक भी है. अब ये सपोज आके क्लेम करता है और क्लेम करके ये कहता है जी कि मीनार पाकिस्तान मेरा है तो उसमें सिर्फ इसकी पोजेशन से या इसमें नहीं हो सकता. इसलिए मेरी हम्बल सबमिशन ऑनरेबल कोर्ट से है कि जहाँ पे एडमिशन आ जाएं. अब इससे पहले ज़्यादा क्या होगा सपोज ऑनरेबल कोर्ट अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इसको अलाउ मेरी एप्लीकेशन को नहीं फरमाती और यहाँ पे सूट खारिज कर देती हैं आ जाते हैं बाकी पीडब्ल्यूज़ वो पीडब्ल्यूज़ में एक कमीशन रिपोर्ट आ जाएगी. अब अगर कमीशन रिपोर्ट वाला आके क्या भी देता कि ये मालिक है तो उससे कोई केस तो लोकल स्टैंड आए तो उसको नहीं मिल जाना. बाकी जितने भी विटनेसेस हैं अब इनकी एग्जांपल ऐसे ही होगी कि जैसे मुर्दे को ड्रिप्स लगाने वाली होगी बाकी जितने भी होंगे. मेरी हम्बल सबमिशन यह है कि इसके बाद जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो सिर्फ फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी वेस्टेज ऑफ ऑनरेबल प्रेशियस टाइम ऑफ द कोर्ट होगा. मेरी हम्बल सबमिशन यह है कि मेरी एप्लीकेशन को गौर फरमाते हुए ऑर्डर 12 रूल 6 के तहत इनकी इनका दावा खारिज फरमा दिया जाए. इसमें शायद उन्होंने अपने जवाब में एक और असिस्टेंस की कोशिश की है कि इससे पहले मेरी दो एप्लीकेशन थी. मेरी ये फर्स्ट एप्लीकेशन है. इससे पहले एप्लीकेशन 711 की थी जिसमें ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था कि क्योंकि अभी मैटर एविडेंस होना है अभी इस स्टेज पे डिसाइड नहीं हो सकता. दूसरी एप्लीकेशन मेरी ऑर्डर 14 रूल 2 की थी कि पहले लीगल इश्यूज डिसाइड होने चाहिए. वो तो है ही है कि अब लीगली यानी उस पर बार्ड बाय लॉ का किसी जगह भी नहीं था. अब मेरी एप्लीकेशन इस स्टेज पे फर्स्ट है और इसलिए है कि क्योंकि अब एडमिशन उनका आ चुका है. एडमिशन के बाद जो ऑनरेबल कोर्ट के पास पूरी पार्स हैं कि वो किसी भी वक्त जहाँ पे एडमिशन पार्टी का आ जाता है उसके मुताबिक सूट उसे डिसाइड फरमा सकती हैं. थैंक यू वेरी मच.